नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आजकल गेमिंग कैटेगरी बहुत ज़्यादा चलती है, हर कोई गेमिंग खेलना चाहता है, हर कोई गेमिंग करना पसंद करता है। इनमें से काफ़ी सारे लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर गेमिंग से रिलेटेड पेज है, तो किसी के फेसबुक के ऊपर गेमिंग से रिलेटेड पेज है, कोई फेसबुक पर गेमिंग करता है, तो कोई यूट्यूब के ऊपर चैनल लेके बैठा है और यूट्यूब के ऊपर गेमिंग करता है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने इंस्टाग्राम पेजेस के लिए कैसे एक प्रोफेशनल गेमिंग लोगो बना सकते हैं, फेसबुक के लिए कैसे गेमिंग लोगो बना सकते हैं, या फिर आपका यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए एक प्रोफेशनल गेमिंग लोगो कैसे बना सकते हैं। क्योंकि लोगो एक ब्रांड होती है और ब्रांड हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर आपको दोस्तों बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं आती है, आपका एडिटिंग स्किल बिल्कुल जीरो है, उसके बावजूद भी आप एक बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रोफेशनल गेमिंग लोगो बना सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी एडिटिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करनी है, कोई ग्राफिक डिज़ाइन नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना गेमिंग का नेम डालना है, देन आपका लोगो ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। वो भी बहुत बढ़िया प्रोफेशनल और जो है हाई क्वालिटी का लोगो रेडी होगा। बताऊँगा आपको इस वीडियो के अंदर, अगर आप भी एक बढ़िया सा गेमिंग लोगो तैयार करना चाहते हैं अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, तो मेरे साथ वीडियो को आखिर तक देखो, पूरा डिटेल में बताता हूँ। आपने अभी तक मधुवन टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों लोगो एडिट करने के लिए काफी सारे बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन है, जैसे कि पिक्सल लैब हो गया या फिर पिक्सआर्ट हो गया, इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रोफेशनल लोगो रेडी कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास एडिटिंग स्किल होना चाहिए, आपको ग्राफिक डिजाइन वगैरह आना चाहिए, तभी आप पिक्सआर्ट या फिर पिक्सल लैब का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा लोगो बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आपके पास बिल्कुल भी एडिटिंग स्किल नहीं है, आपको एडिटिंग नहीं आती है, उसके बावजूद भी आपको अच्छा सा लोगो बनाना है, तो वो कैसे आप बनाओगे, चलो आपको बताता हूं। इसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। वैसे तो प्ले स्टोर के ऊपर गेमिंग लोगो से रिलेटेड काफी सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, बट इनमें से कुछ पेड है, यानी कि आपको पैसे पे करने होते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग जो है लोगो रेडी करके देते हैं। बट जब वो काम फ्री में हो रहा है तो हम उसको पे क्यों करेंगे, तो हमें फ्री में ही करना है। चलो मैं आपको फ्री वाला एप्लीकेशन बताता हूं। तो आप लोग लोगो स्पॉट मेकर करके एक एप्लीकेशन है, ये वाला देख लो, ये कुछ इस तरीके का डिजाइन है, तो इसको आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। क्रिएट गेमिंग लोगो यहां आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लोगो स्पॉट मेकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, देन यहां से ओपन कर लीजिए। ओपन करने पर दोस्तों ये जो है एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस एप्लीकेशन का एक बहुत ही घटिया बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां कुछ एड देखने को मिल सकते हैं, तो एड को आपको स्किप कर देना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि अगर प्रीमियम लेना है तो कुछ तो हमें जो है सहन करना पड़ेगा। या क्रिएट लोगो के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला एड आ गया है, तो हमें जो है इसको कट कर देना होगा। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरीके का एक बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर जो है बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है एक सबसे पहले वाइट या फिर ब्लैक कलर कोई भी एक चूज़ कर लो, जो आपको प्लेन कलर अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने वाइट को चूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको फिर से बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, देन अब यहाँ से आपको वो लोगों को चूज़ करना है, वो डिज़ाइन को चूज़ कर लेना है। बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत ही प्रोफेशनल आपको डिजाइन देखने को मिल जाती है गेमिंग लोगों के लिए। तो मैं फिलहाल यहां पर ये वाला चूज कर लेता हूं, ठीक है। ये वाला आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो पसंद आता है, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर लोगोज के ऊपर क्लिक करिए, यहां पर भी लोगोज आपको देखने को मिलते हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिए, देन यहां जो है आपको अपना गेमिंग का जो है डाल देना है, आपका पेज है तो वो नेम डाल दीजिए, आपका फेसबुक पेज है तो वो नेम डाल दीजिए, या फिर आपका चैनल है तो वो नेम डाल दीजिए। फिलहाल मैं डेमो के लिए अपना नेम को एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इस राइट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, देन यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि वो कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब ये कलर मैच नहीं कर रहा तो हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, उसके बाद इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट यहाँ से करके आप इसको जो है छोटा बड़ा करके कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा इसको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारा जो है कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन देखने
देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आपको शेप देना है वो आप कर सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, सिर्फ आपको जो है यहाँ से यहाँ बस सेटिंग चेंज करनी है, कोई भी एडिटिंग नहीं करना है। फाइनली हमारा लोगो जो है कुछ इस तरीके से रेडी हो जाता है। उसके बाद सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका लोगो यहाँ पर रेडी हो जाता है। इसको आप डायरेक्ट गैलरी के अंदर हाई क्वालिटी के अंदर सेव कर सकते हैं, इसको PNG या फिर JPEG जिसके अंदर आप सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप PNG के अंदर ही सिलेक्ट करो, ताकि जहां आपको इसको जो है सेटल करना है, जहां लगाना है, ऐड करना है, वहां आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल स्किप कर दीजिए। ओके, ये लोगो आपके मोबाइल की गैलरी के अंदर जो है डायरेक्ट सेव हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर बिल्कुल एडिटिंग किए बिना एक प्रोफेशनल बढ़िया गेमिंग लोगो तैयार कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए, फेसबुक पेज के लिए या फिर गेमिंग चैनल के लिए। फिलहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट पर बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपने इस वीडियो को कंटिन्यू यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।